नवी मुंबई पनवेल पुलिस ने एक 2 वर्षीय बालक को अपहरण करने वाली महिला से निजात दिला दिया और महिला को गिरफ्तार कर बालक को उसके माता पिता को लौटा दिया। इस अपहरण की शिकायत पनवेल रेलवे पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। उसके बाद जांच की जिम्मेदारी पनवेल ग्रामीण पुलिस थाने को सौंप दी गई, जिसे पनवेल ग्रामीण पुलिस ने बड़े ही मेहनत और लगन से तफ्तीश किए और जिसका नतीजा भी देखने को मिला। जिस महिला ने बच्चे को चुराने की कोशिश की थी वह अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। एक बात जो बताने योग्य है मुझे लग रहा है वह ये कि नागरिकों की ज्यादातर शिकायत यह होती है कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती सरकारी महकमे में। इस बात को पनवेल पुलिस ने गलत साबित कर दिया है, जिसकी वजह हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। इन दोनों को देखें जो कहीं से भी अमीर नहीं लगते, या पति पत्नी पनवेल रेलवे स्टेशन पर सोए हुए थे जहां से 2 साल के बच्चे को सोते हुए एक महिला उठा ली गई थी, जिन्हें पनवेल पुलिस ने खोज निकाला और पीड़ित माता पिता को उसके जिगर का टुकड़ा वापस लौटा दिया। इसी विषय की जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। आप भी सुने कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने क्या बताया। कल शाम को हमारे तलोजा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सोनव ने इनको एक माहिती मिली थी कि पनवेल तालुका में भेंगारवाड़ी परिसर में एक महिला ने एक छोटे बच्चे को चुरा कर लाया है। संदेश उत्तेकर नामक उनका जो पुलिस कांस्टेबल है उसने उसके सोर्सेस से ये उनको मालूम मिली थी। ये मालूम उन्होंने फिर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री दौनकर पनवेल तालुका इनको दे दी। इसमें ACP श्री सोनव ने श्री दौनकर इन्होंने एक टीम फॉर्म करके भेंगारवाड़ी में टीम भेजी। वहाँ पे लोकल जो पुलिस पाटिल है उसने भी इसमें उसको बहुत अच्छे से मदद की और वो महिला को लोकेट किया। वो महिला ने एक छोटे बालक को 2 साल के बालक को जो चुरा के लाया था उसमें घर में छुपा के रखा था। हमारे महिला पुलिस कांस्टेबल ने उन्होंने कब्जे में लिया और उसके बाद उसकी इंक्वायरी करते हुए एक पता चला कि ये पनवेल रेलवे पुलिस स्टेशन में रेलवे पुलिस स्टेशन के हद में से एक छोटे बच्चे को इन्होंने रात में उठाया था, पूरा दिन उसके साथ था। उसके बाद हमने और तपास किया तो रेलवे पुलिस स्टेशन में भी एक गुना इस सिलसिले में दाखिल हुआ था। फिर हम लोगों ने ये बालक और ये महिला रेलवे पुलिस स्टेशन के हवाले किया है और आगे की तपास रेलवे पुलिस स्टेशन कर रही है। सर, बच्चा तो मिल गया है पुलिस के बेहतर काम की वजह से, लेकिन जानना चाहेंगे वो बच्चा किसका था, किसने वो शिकायत दर्ज की थी, क्या उसके माता पिता को इस बात का संदेश मिल गया है कि वो बच्चा मिल गया है? वहाँ पे पटरी पे रहने वाले एक भोसले नामक एक कुटुंब है, फैमिली है, वो फैमिली का ये बच्चा था, वो रोड पे रहते थे। ये जो महिला है, ये महिला उस दिन उनके पास आई थी और उधर ही उन्होंने सोने का नाटक किया था। रात में वो बच्चे को लेकर वो भाग गई थी। तो इस सिलसिले में वो जो उसकी माता है बच्चे की, वो माता ने ही उसको FIR दी है और वो जो बच्चा है अभी वो माता के पास हम लोगों ने दिया। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर, तो जिस तरह से कि पुलिस ने गायब गुमशुदा बच्ची की तलाश कर ली है, तो क्या जांच में इस तरह की बातें सामने आई है कि उसकी मंशा क्या थी, क्या वो बच्चे को पालना चाहती थी या बेचने की मंशा थी उसकी, इस तरह की कोई बातें सामने आई है? अभी इस सिलसिले में रेलवे पुलिस स्टेशन तपास कर रहे हैं, हमारे लोग भी उनको मदद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तहकीकात करने के बाद ही इस विषय में कुछ स्पष्ट बताया जा सकता है। हकीकत यह है कि पुलिस विभाग अगर ठान ले कि अनैतिक तत्वों के कारोबार को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाना है, तो इसमें दो राय नहीं है कि अनैतिक तत्वों के हौसले पस्त हो जाएंगे और क्राइम का ग्राफ भरभरा कर गिर जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। हम जल्द हाजिर होंगे फिर नई कोई खबर के साथ। तो गोपाल साह को दीजिए इजाज़त।